लाठी गोली की सरकार लाठी गोली की सरकार और एकता जिंदाबाद साथियों साथ दो स्थायी करने उचित मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार को पंचायत वार्ड सचिव संघ ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि वार्ड सचिवों को बिहार सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। पप्पू यादव ने कहा कि 2017 में सात निश्चय योजना के लिए वार्ड सचिव के लिए चयन योग्यता के आधार पर किया गया, दो वर्ष बीतने के बाद 5 साल किया गया, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है कि सभी पंचायत वार्ड सचिवों को अस्थायी किया जाए। जन अधिकार पार्टी वार्ड सचिवों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमेशा सरकार अपने फायदे सत्ता के लिए काम करती है। एक तरफ पूरा बिहार को बेरोजगार कर चुकी है, आउटसोर्सिंग पर लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। वार्ड सचिव 1,14,000 जिसको ये लगातार शोषण कर रही है, काम कर रही है, कोरोना में मजदूरों की तरह सेवा दिया हमेशा, और अब इसको समाज सेवी बनाकर इन्हें वार्ड नए वार्ड सदस्यों के द्वारा पदभुक्त करना चाहती है सिर्फ एमएलसी के चुनाव के लिए। यह सरकार बहुत गंदा खेल खेलती है, एक तरफ जिंदगी छीनना और दूसरी तरफ अपने राजनीति के फायदे। ये लोग तो जनता के पैसे से फ्री में सब कुछ पाता है, लेकिन जो मेहनत करके जिंदगी जीना चाहता है उसकी जिंदगी के ये दुश्मन है। इसीलिए सत्ता इसको एनएचएम, उसके बाद रेल जाम, गांधी मैदान, मैंने बार बार कहा एमएसपी, विशेष राज और वार्ड सचिव, 1,14,000 वार्ड सचिव की लड़ाई गोली खा करके लड़ेंगे। सरकार को राजनीति करने इसके जीवन में नहीं। एकता जिंदाबाद साथियों साथ दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। और सचिव एकता जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।